तो ये है अपनी TVS Raider 125 और आज मैं आपको इसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव बताने वाला हूँ, जो कि 1.5 साल यूज़ करने के बाद मुझे भी पहली बार महसूस हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है बाइक को मैं वो 250 किलोमीटर चला के ला रहा हूँ नॉन स्टॉप। ट्रिप पे मैं आपको दिखा दूंगा, 418 किलोमीटर हो चुकी है। तो 250 किलोमीटर में इसको नॉन स्टॉप चला के ला रहा हूँ। मैंने कहीं भी रास्ते में किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि जो मैं बाइक की सीटिंग देखने को मिल जाती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब मुझे थकान महसूस ही नहीं हुई। लेकिन उससे भी जो मैं बताने वाला हूँ ना आपको नेगेटिव, वो ये है, जैसे पैर अपन यहाँ रखते हैं तो मुझे महसूस हुआ कि इंजन जो है वो बुरी तरीके से हीट फेंक रहा है, मतलब हीटिंग इशू मुझे लगता है रेडर में, जो कि है अगर आप नॉन स्टॉप अच्छा खासा 250 किलोमीटर इसको खींचते हो। अब तो चलो थोड़ा सर्दी का सा मौसम है, लेकिन गर्मी में ये बेहद ही बड़ा इशू बन जाता है। हालांकि मीटर में कोई भी इंडिकेट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हीट काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी बाइक, और मेरे पैरों पर भी महसूस हो रही थी। अगर आपकी रेडर में भी हीटिंग का इशू है तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताएं।